उसमें कुछ फ़ायदा मिले मैं चाहूँगा राजेश जी से हम लोग मिलकर काम करें। डॉक्टर साहब बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करेंगे। जी जी, डायबिटिक फ्री इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य यही है कि पूरे देश को डायबिटीज से फ्री करना, और रिसर्च फाउंडेशन जो आप चला रहे हैं ये इसके थ्रू हमारा ये रिसर्च भी कह सकते हो आप कि ये पूरे देश में इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे। मैं इतना चैलेंज करता हूँ कोई भी डायबिटीज का पेशेंट मेरे पास आए, ऐसे पेशेंट को हम सिर्फ 5 दिन के अंदर उनकी पूरी दवाई हम बंद कर देते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट को हम लोग सारे मीठे फल चाहे वो आम हो चाहे केला हो पेट भर के खा सकते हैं। समाज में जो गलत धारणाएं बनाई गई है कि डायबिटीज़ कभी ठीक हो सकता नहीं है, डायबिटीज़ की बीमारी हमेशा मरने के बाद ही ठीक होने वाली है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस देश को इस षड्यंत्र से बाहर निकालना और रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना और आप मीडिया के थ्रू ये मैसेज पहुँचाना कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी इसको फॉलो किया हुआ है, ये कोई मेरा खुद का कुछ भी नहीं, इसमें ये 4 नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च पे बेस करता है और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा सर आपसे कि आप इस मूवमेंट को भी आगे बढ़ाइए। और सर आपका कहाँ पर है ये थोड़ा बताइए प्लीज। सर हमारा ये मुलुंड में सेंटर हमारा है, डायबिटीज सेंटर हमारा मुलुंड में है। आपसे कोई मिलना चाहे कोई नंबर वगैरह आप शेयर करेंगे? सर मैं आपको नंबर, मेरा नंबर है 9223-58602। मेरी कंपनी है, एक एनजीओ है साई आरोग्य, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। हमारा और एक एनजीओ है आई विल चेंज फाउंडेशन, मैं बदलूंगा देश बदलेगा। जब तक मैं नहीं बदलूंगा तब तक देश नहीं बदलेगा। सबसे पहले मैं खुद को बदलूंगा, कहाँ से बदलूंगा, अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी आत्मा से, तब जाके देश में बदलाव आएगा। तो ये फाउंडेशन बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। हम लोग मुलुंड में, अगर आपको पता होगा संजय गांधी नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कम से कम 108 डैम बनाए, हम लोगों ने चेक डैम बनाए हैं, और कम से कम हजारों हमने वहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया है। लोग ट्री प्लांट करते हैं उसको भूल जाते हैं, हमने लोगों को कसम दिलाई कि आप सिर्फ ट्री प्लांट नहीं करेंगे, आप ट्री को एडॉप्ट भी करेंगे वहाँ पे। तो ट्री एडॉप्टेशन का भी हम ड्राइव चला रहे हैं वहाँ पे। और पिछले 2 दिन पहले अगर आप लोग कुछ अगर उस पर अगर मैसेज डालना चाहेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पे कुछ ट्री लगाए थे कि कुछ अलग लोग आके उसको उखाड़ के फेंक दिए, ये हमारा सोशल मीडिया पर हम लोग एक्टिव है ही हैं, पर फिर भी चाहूँगा कि आप लोग उसको अगर कुछ सपोर्ट कर सकते हैं कि ट्री प्लांटेशन करवाइए, न कि उसको उखाड़ के फेंक दिए अपने स्वार्थ के लिए। अवार्ड के बारे में कुछ बोलेंगे तो हो रहा है? बिल्कुल सर, ये अवार्ड तो एक बहुत यूनिक अवार्ड है। ऑलरेडी दादा साहब फाल्के के नाम से जिसको ये अवार्ड मिला वो तो काफ़ी गौरविंद होता ही है वहाँ पे, लेकिन ये अवार्ड साउथ पे या और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों तक पहुँचाने का जो काम डॉक्टर अनिल जी ने लिया है ये बहुत बड़ा एक काम है, और लोगों तक अच्छे कार्य कलाकारों को हम लोग वहाँ पे ये अवार्ड दे सकते हैं और उनकी प्रतिभा को हम लोग लोगों तक पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात मैं और एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अवार्ड दे रहे हैं, ऑलरेडी मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और मैं इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं एडिटर हूँ वहाँ पे। तो अवार्ड तो मिलते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो रिकॉर्ड जो बनते हैं तो ये एक यूनिकनेस की लेवल पे, यूनिक व्यक्ति है कुछ करना चाहे तो अपना वो रिकॉर्ड बना सकता है वहाँ पे, उसको हम रिकॉर्ड में ले सकते हैं। साथ में हमने सर से कहा कि अभी बात करूँगा कि हम 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन पे हम लोग पूरे देश से पूरे वर्ल्ड से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को आरोग्य अवार्ड देने की बात कर रहे हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल हेल्थ अवार्ड आरोग्य इस नाम से लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं। इसमें अनिल जी का और आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि इस अवार्ड में डॉक्टरों को जो भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये मैसेज जाए। इस अवार्ड के साथ साथ में हमने एक और मुहिम चालू की है वीर जवान आरोग्य सेवा, जवानों के लिए एक आरोग्य सेवा। हम सारे डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि आप अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाइए जिसमें आपके पास अगर कोई भी सैनिक आता है तो सैनिक को आप फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये बहुत सारी मुहिम हम चालू करें वहाँ पे, हम आप सबका इसमें सपोर्ट चाहिए, और अच्छे डॉक्टर्स को समाज अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग को भी अवार्ड के जरिए सम्मानित किया जाए। भले ही दादा साहब फाल्के अवार्ड हम फिल्म इंडस्ट्रीज को देते हैं, कलाकारों देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कलाकार डॉक्टर भी हैं जो हर समय किसी की सेवा करते हैं, हर समय किसी के हेल्थ को अच्छा रखने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को भी कुछ ना कुछ अवार्ड सम्मानित करना चाहिए।